famous, what they call me. हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कारी सुमित। और अगर आपको बैकग्राउंड में ठक ठक की आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ बैर करना, थोड़ा सा एडजस्ट करना। देखो वो सामने कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो इस वजह से ठक 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 की नॉइज़ आएगी। लेकिन आज का जो मुद्दा ये है, केयर करनी है कार की, कैसे कर सकते हैं ऊपर की, बाहर अगर सेफ पार्क नहीं है तो बॉडी कवर लगा के। अब बॉडी कवर में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है हमारी, कुछ मेजर प्रॉब्लम है जो हमेशा आती है, चाहे कितने पुराने बॉडी कवर लगाने वाले हों आप। तो एक प्रॉब्लम आती है बॉडी कवर उल्टा हो जाना, सीधा हो जाना, या उसका एंड नहीं मिलना। तो वो कैसे आप सॉल्यूशन उसका ले सकते हो, वो मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसके बाद जो प्रॉब्लम आती है वो आती है एंटीना, जिसमें छोटा शार्क फिन एंटीना कोई इशू नहीं है। लेकिन फिर एक आता है मीडियम साइज़ का एंटीना। पहले ह्युंडई भी लंबा एंटीना देती थी, फिर उसने मीडियम साइज़ का कर दिया वो पावर एंटीना। लेकिन अगर मैं ड्राइवर की बात करूँ, या कुछ कंपनीज़ हैं, सिर्फ इसी की नहीं, कुछ कंपनीज़ हैं अब भी वो बड़ा एंटीना देती हैं, जो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है, स्पेशली जब हम कवर लगाते हैं तब। तो उस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, इस वीडियो में वही बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। उससे पहले क्या करना है, सब्सक्राइब, लाल वाला बटन दबा दो और सब्सक्राइब करते हैं, और उसके बाद चलते हैं वीडियो। ये है हमारी गाड़ी, कर देते हैं हम इसे अनलॉक, चलते हैं अंदर। देखो सबसे पहले आपको ये चीज़ देखनी है, आप ज़्यादा FM का यूज़ करते भी हो या नहीं, क्योंकि हमारे एरिया में FM के सिग्नल बिल्कुल नहीं आते। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, चाबी दिए लगा, अब मैं आपको इसमें दिखाऊँ, FM के यहाँ पर सिग्नल आते ही नहीं है, जो भी हमारा एरिया है यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आते। और सिर्फ हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है ये, बहुत से लोग हैं जिनके एरिया में FM नहीं चलता, केवल मेट्रो सिटीज़ में ही चलता है। अब आप देखो, ये आपको इसमें सुनाई दे रही है, ये देखिए FM नहीं आ रहा, इसमें कोई भी चैनल नहीं आता, ऐसे ही रहता है। तो मैं FM यूज़ ही नहीं करता, मेरे को आदत ही नहीं है FM की। तो इस केस में अगर आपको FM की आदत नहीं है और FM नहीं चलता आपके यहाँ, तो वो एंटीना आपका यूज़ के लिए है ही नहीं। तो मैं आपको दिखाता हूँ आपको क्या करना है, ये एंटीना आपको निकाल देना है। अब एंटीना निकल भी जाता है, कुछ लोगों को तो पता है, ये बहुत से लोगों को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता तो ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है। ये देखिए, आपको कुछ नहीं करना, यहाँ से ये है, ये एंटीना आपको निकाल देना है ऐसे। और देखिए यहाँ पर ये हमारा मेल है, ये यहाँ पर फीमेल है, तो यहाँ पर कुछ भी आप चीज़ चिपका दीजिए जिससे यहाँ पर अंदर पानी वगैरह ना जाए और रस्टिंग ना हो। तो आपको ये करना है, और बस इसको आप फिर से यहाँ पर पुश कर दीजिए ऐसे। तो ये आ गया है एंटीना हमारे हाथ में, ये देखिए। अब क्या है, अब देखिए इतना बड़ा, देखने में उतना बड़ा नहीं लगता ये वैसे कार पे, लेकिन काफ़ी बड़ा है, करीब ये 3 फीट के अराउंड है, 3 या 2.5 फीट तो है ही है। अब इतने बड़े एंटीने को आपको मैनेज कहाँ करना है, क्योंकि अगर आपको कहीं FM सुनना है तो आपको ये कार में ही रखना पड़ेगा। अगर नहीं सुनना, आपका शौक़ नहीं है FM सुनने का, तो आप इसको निकाल के घर पर रख सकते हैं। अगर आपको ये कैरी करना है तो देखिए, मैंने इसकी जो लास्ट रो है वो निकाल रखी है, तो यहाँ पर ही अच्छे से मैनेज नहीं हो पाएगा। नहीं तो अगर आपने निकाल भी रखी है तो आप इस जगह इसे यहाँ डीप जो साइड है यहाँ पर रख सकते हैं, नहीं तो सबसे इसका जो सेफ तरीका है वो ये है। मैं दूसरी कार में अभी सीट्स लगी हुई हैं, तो मैं इसमें आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर इसे आप इस जगह सेट कर सकते हैं इजीली। ये किसी भी तरह से डैमेज नहीं होगा, ये देखिए, कोई भी आप सामान रखते हैं तो ये डैमेज नहीं होगा उस सामान से, और यहाँ पर सेफली रखा रहेगा। और अगर आपको ज़्यादा वो चाहिए सेफ्टी इसकी, तो ये जो हुक्स हैं इसमें आप इसको फंसा सकते हैं, जिससे ये देखिए इसमें आप इसको फंसा सकते हैं और ये ज़्यादा इधर उधर नहीं होगा। तो आप इसको इस तरह से यहाँ रख सकते हैं, नहीं तो आप इसे घर पर भी उठा के रख सकते हैं। तो अब जो कार का लुक आ रहा है वो ऐसा आ रहा है, देखिए बिना एंटीने के मैं समझ सकता हूँ आप कहेंगे कि ऑड सा लुक लग रहा है, लेकिन टूटे हुए एंटीने से ये अच्छी लग रही है। अगर एंटीना आपका टूटा हुआ रहेगा तो उतना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन इस समय ये कार फिर भी ठीक लग रही है। गर्मी सीरियसली बहुत ज़्यादा हो रही है, आप ये देखो, इस समय कपड़े पूरा भीग चुका हूँ, 5 मिनट अभी मुझे हुए हैं, तो मैं जल्दी जल्दी साइन आउट करता हूँ। आप ये पूछोगे कि मैंने क्यों नहीं अब तक ये हटा रखा था, तो देखिए मैं कवर नहीं डालता, आपको पता ही है मैं कवर नहीं लगाता हूँ, मेरे पास कवर नहीं है एक्चुअली, तो इस वजह से मुझे प्रॉब्लम नहीं होती थी, एंटीना खाली खड़ा रहता था।
जिनकी छतों पे रात को पता है बाहर पार्क होती है और कुत्ते वगैरह सो जाते हैं, वो कुत्ते काटते हैं एंटीना को, और उनके लिए फिर कोई मतलब नहीं रह जाता उसका बार बार उसको चेंज कराना, और वो टूटा हुआ एंटीना बहुत बुरा लगता है, तो वो इसको निकाल के रख सकते हैं। और जो सपोज़ आप छत पे कुछ सामान रख रहे हैं, आपके पास कैरियर नहीं है अभी, छत पे कुछ सामान रख रहे हैं तो आप निकाल के रख दीजिए, इसे हटा दीजिए, क्योंकि नहीं तो आगे की तरफ देखिए कार का पोस्चर जो है आगे की तरफ है, और सामान कुछ भी आप ब्रेक लगाएंगे आगे की तरफ आएगा और ये एंटीना टूट जाएगा। नुकसान होने से अच्छा आप इसको पहले निकाल के रख दीजिए। और उसके साथ साथ जो भी लोग जिनके यहाँ FM आता नहीं है और आदत नहीं है, उनका लगाने का कोई मतलब नहीं है, रोज़ परेशान होते हो कवर वगैरह लगाने में उतारने में, और बहुत प्रॉब्लम होती है आई नो, तो आप इसे निकाल के रख सकते हो और टेंशन फ्री काम कर सकते हो। और वो वाली जो कवर वाली वीडियो थी, कैसे लगाना है कवर, किस सही तरीका क्या है, स्क्रैचेस भी नहीं आएंगे आपकी बॉडी पर, आपकी मतलब कार की बॉडी पर, और उसके साथ साथ भूलोगे भी नहीं कि कौन सा हिस्सा आगे का था कौन सा पीछे का था। तो यही था इस वीडियो में, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। जय हिंद। Need a plan, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely.